हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसईओ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूट्यूब का एसईओ कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे उसको सर्च में लाया जाता है। देखो, ऐसा नहीं होता कि एसईओ करने से आपके व्यूज एकदम से बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एसईओ इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका वीडियो है वो सर्चिंग में आ सके, ठीक है। अगर उस कीवर्ड की सर्चिंग ज्यादा है तो आपका वीडियो बिल्कुल सर्चिंग में आएगा, उसके व्यूज बढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है कि एसईओ करने से आपके एकदम से व्यूज बढ़ जाएंगे, ओके, ऐसा नहीं होता है। तो देख लेते हैं कि एसईओ कैसे किया जाता है। तो चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो में। तो ये मेरा चैनल है कोविद कमलेश, यहाँ पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ। देखो, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ इसलिए मेरा चैनल ग्रो भी नहीं हो पा रहा है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, ओके। तो इस पर कॉन्टेंट ओपन कर लेते हैं। तो मैं एसईओ लाइव आपको करके बताता हूँ कि कैसे किया जाता है एक्चुअल एसईओ। हम कोई भी वीडियो उठा लेते हैं, मान लो ये है, ओके। तो यहाँ पर मेरा मेन कीवर्ड क्या है, रिवर्स एंड एरे, ठीक है, ये मेरा मेन कीवर्ड है। तो अब काफ़ी सारे यूट्यूबर आपको बोलेंगे कि आपको हिंदी का जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ करना चाहिए, या फिर बायलिंगुअल जो होता है इंग्लिश होता है, इंग्लिश आपको यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कस्टमर, जो यूज़र आपकी वीडियो को सर्च करेगा वो कैसे सर्च करता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मेरा यूज़र है वो ऐसे ही सर्च करेगा, रिवर्स एंड एरे, तो इस सर्च पर मेरा वीडियो आना चाहिए, ठीक है। तो सर्च करके देखते हैं, रिवर्स एंड एरे, ठीक है, ठीक है, इस सर्च पे मेरा वीडियो आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं, इस सर्च पे मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी हम एसईओ करते हैं, उसके बाद वीडियो को पब्लिश कर देते हैं तो अचानक से वो रैंकिंग पे आ जाता है। पर अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो वीडियो फिर से नीचे चले जाता है। तो आपको कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। आप एसईओ करते हो तो उसका कंटेंट भी अच्छा रखना पड़ेगा ना। अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं रखोगे तो एसईओ वर्क नहीं करेगा। तो कंटेंट आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छा मतलब कैसे, कि जो इन्फॉर्मेशन यूजर चाहता है वो आपको देनी पड़ेगी। आप फालतू बातें नहीं कर सकते हैं। फालतू क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बातें करते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं होता, टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से और थंबनेल से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेन कीवर्ड क्या है, रिवर्स एंड अरे। तो हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यूट्यूब के इनकॉग्निटो ओपन कर लेंगे। तो वहाँ पर सर्च करेंगे इस कीवर्ड को, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो मैंने रिवर्स एंड अरे सर्च किया, यहाँ पे चार कीवर्ड आया। अब इन चारों कीवर्ड को मुझे कॉपी कर लेना है और रख लेना है एक साइड, क्योंकि इसको हमको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब आपका यूज़र सर्च करेगा ना यूट्यूब पे, तो ये कीवर्ड उसको दिखाई देंगे, तो वो क्या करेगा, इन चार में से जो भी उसको रिलेवेंट लगेगा ना वो उस पर क्लिक कर देगा। तो मेरे हिसाब से तो जो मेरा यूज़र है वो सर्च करेगा रिवर्स एंड एरे इन जावा, ठीक है, इस पर ही सर्च करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसको कॉपी कर लूँगा, मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, रिवर्स एंड एरे इन जावा, ओके। अब ये सेकंड मैंने रखा है, प्रोग्राम टू रिवर्स इन अरे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कीवर्ड मेरा रिलेवेंट है, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। इसकी जगह पे मैं कोई और कीवर्ड रखूंगा। अब पहले, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कीवर्ड को सर्च करूंगा एंड अगेन मैं इनकॉग्निटो में ओपन करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेन क्या आ रहा है, मोस्टली सर्च कीवर्ड क्या है इसमें, रिवर्स एंड अरे इन जावा हैकर है। तो इस कीवर्ड को भी मैं अपने टाइटल में पुट कर दूंगा, ठीक है। देखो, एसईओ करने में टाइम तो आपको लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। करना बहुत ही इजी है, पर आपको टाइम देना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपका क्लाइंट आपको बोलेगा कि आपने कैसे एसईओ किया है, रैंक क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका सीधा सा आंसर है कि एसईओ से सब कुछ नहीं होता है, आपके कंटेंट पे आपको फोकस करना पड़ता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा एसईओ कर लो, आपका वीडियो रैंक नहीं होगा, ठीक है। रैंक हो भी जाएगा तो वापस से डाउन हो जाएगा। तो कंटेंट पे मस्ट आपको फोकस करना है। अगर आपका कंटेंट इंगेजिंग ही नहीं है तो आप कैसे एसईओ करके उसको रैंक करवा पाओगे, वो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, ये हमारा कीवर्ड हो गया। ये जो टाइटल वाला मेरा कीवर्ड है, इसको मैं टैग में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जो मेरा टैग्स है ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे टैग्स है, देखो ये कीवर्ड मैंने यूज़ ही नहीं किया था, ओके। तो जो काम की कीवर्ड नहीं है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एरेस, ये कीवर्ड काम के नहीं है। मतलब ऐसे कीवर्ड्स जो यूज़र सर्च करे, आपको उसी को टैग बना के, उसी को टैग बना के आपको टैग्स में यूज़ करना है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स है, आपको भी आपके जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड निकालने हैं, उसको टैग के अंदर पुश करना है, ओके। तो मैंने पुट कर दिए और उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, एज इट इज़ जो टैग आपने यूज़ किया उसी को आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपकी कीवर्ड है उसको कॉपी कर लो, और एक सॉफ्टवेयर होता है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट में उसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल एफ दबाओ, कोमा, फाइंड ऑल, देन इंटर, ठीक है, आपको सारे कीवर्ड सीधे हो जाएंगे। कंट्रोल सी कर लो और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये सारे एक साथ आ गए, ओके। और टाइटल के लास्ट में हमने कोविड कम जो हमारा मेन चैनल है वो रख दिया था, ठीक है, एक ही हो गया, टाइटल हो गया, टैग्स हो गए। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल से लाइन ऐड करना है। क्या लिखा है मैंने, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू रिवर्स एंड अरेंज जावा, ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न देन वॉच द वीडियो टिल द एंड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ये सिंपल सा मैंने डिस्क्रिप्शन रखा है। सोशल प्रोफाइल मैंने ऐड कर दिए, जो इक्विप्शन मैंने ऐड कर दिए इसको नहीं रखूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे वो भी मैंने लिख दिया है, प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिए और सारे कीवर्ड्स ऐड कर दिए, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे लास्ट में हैशटैग ऐड कर देना है। क्या हैशटैग ऐड करोगे, जो आपका मेन कीवर्ड है, ओके, रिवर्स एंड अरे हैश कोड विथ कमलेश, और एक और रख लेते हैं जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, ये मेरे मैंने मेन कीवर्ड ऐड कर दिए, ओके। थंबनेल है, तो थंबनेल मैंने काफ़ी सिंपल रखा है, कीवर्ड्स ना रहे और जो भी एरर था मैंने उसको लिखा दिया वहाँ पे, और मेरा फोटो लगा दिया, ठीक है। तो फोटो लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को यूज़र को अच्छा लगता है तो जो अगला वीडियो होगा ना अगर वो आप पोस्ट करोगे तो यूज़र उस वीडियो को देखेगा, ठीक है, इसलिए एक फ़ोटो लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग पोस्ट में फोटो लगाइए पर अपना फोटो लगाइए, ठीक है, किसी मॉडल को उठा के मत लगाइए, तो सबसे बेस्ट यही रहता है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन को आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने तो सिंपल रखा है, ठीक है। तो ये होता है SEO। अब इसको सेव कर देंगे, ओके, और इसको वेट करेंगे रैंक होने का। क्या होता है कि जब हम किसी YouTube की वीडियो को पोस्ट करते हैं ना, पब्लिश करते हैं, तो वो 14 आवर्स का टाइम लेता है, 12 से 14 घंटे का टाइम लेता है रोल आउट करने में YouTube को, ठीक है, जो आपका सब्सक्राइबर है उसको दिखाने में। और अगर आपका सब्सक्राइबर नहीं है, आपका नया चैनल है, तो भी वो 14 घंटे का टाइम लेगा उस YouTube पे वीडियो को उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करने में, ठीक है। YouTube क्या है, लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे Instagram Facebook जैसा कंसेप्ट नहीं है कि आप Instagram जैसे अपना हैशटैग डाल दिए तो आपका वीडियो चल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉपर टैग डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, टाइटल डालिए, आपका वीडियो धीरे धीरे रैंक होगा, और रैंक होता ही है, ठीक है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने वीडियो को डालते हैं विदाउट एनी टैग, थोड़ा सा टाइटल देते हैं, छोटा सा टाइटल डाल देते हैं, तो भी उनका वीडियो चल जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ऑलरेडी है और वो उसके वीडियो को बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास तो सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो उस केस में आपको SEO करना पड़ेगा। आप SEO करेंगे तो आपका वीडियो सर्च में आएगा, और जैसे सर्च में आएगा तो उस पर व्यूज़ बढ़ेंगे, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो आपका वीडियो उसके थ्रू बूस्ट होगा। वीडियो को बूस्ट तो करना ही है, पर आपको SEO के थ्रू करना है, ठीक है। पर एक कंडीशन और है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब यूज़र आया, मान लो आपने थंबनेल बहुत अच्छा बना दिया, आपने टाइटल बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, आपका वीडियो सर्च में भी आ गया, अब यूज़र ने उसको क्लिक किया और वो देखने लग गया आपका वीडियो, ठीक है, और उसको वीडियो आपका अच्छा नहीं लगा, उसका आपका जो वॉच टाइम है बहुत ही कम है, यूट्यूब क्या करेगा, उस वीडियो को डाउन कर देगा। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपका वीडियो नहीं चलेगा। आपको कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ओके। तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको बिल्कुल इससे हेल्प मिलेगी, ओके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।